तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने जो सीखा सेमीकंडक्टर में, वो क्या क्या सीखा? सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर से फिर हमने डिवाइसेस बनाए, डिवाइसेस कौन कौन से थे, डायोड्स हमने सीखा, डायोड के बाद हमने सीखा कि ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। ये सारे जो अप्लाइंसेज हैं इसका यूज़ अब हम डिफरेंट टॉपिक में करेंगे, एक डिफरेंट कंसेप्ट के अंडर करेंगे, वो है लॉजिक गेट्स, ठीक है ना, लॉजिक गेट्स। अभी लॉजिक गेट्स क्या होता है ये सब डिटेल में आपको समझाता हूँ, पहले लिख लेते हैं लॉजिक गेट, ठीक है, लॉजिक गेट्स। इसका नाम लॉजिक गेट्स क्यों है पहले इसको मैं समझाता हूँ आपको। देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन एक ट्रांसमीटर से रिसीवर तक अगर भेजना होता है, सपोज आप फ़ोन में बात कर रहे हो, तो आप यहाँ बोल रहे हो, बोलने के बाद मोबाइल फ़ोन में पहुंच रहा है साउंड, साउंड को सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और वो सिग्नल फिर टावर में भेजते हैं और फिर प्रॉपर चैनल के थ्रू ट्रांसमीटर के पास भेज दिया जाता है, फिर वहाँ जो सॉरी रिसीवर के पास भेज दिया जाता है, ठीक है ना, प्रॉपर चैनल के थ्रू रिसीवर रिसीव करता है, उसके बाद आपके नियर बाई जो टावर है उससे फिर आपके मोबाइल में, उधर वाले मोबाइल में भेजा जाता है और आप सुनते हो, फिर आपको समझ आता है क्या बोल रहे हैं। इस ट्रांसमिशन में जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे वॉइस है, ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ, ईमेल, कुछ भी हो सकता है, उनको हम बोलेंगे इन्फॉर्मेशन। ये सारे इन्फॉर्मेशन सिग्नल में फीड किया जाता है, फिर ये जो सिग्नल है वो ट्रांसमीटर से निकल के प्रॉपर चैनल के थ्रू रिसीवर के पास पहुँच जाता है और फिर एंड यूज़र के पास पहुँचता है। तो वो जो सिग्नल है, वो सिग्नल कितने टाइप के होंगे, ऑल्दो इसका इससे लेना देना नहीं है, बट मैं आपको फील कराना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ सिग्नल जो मेरे काम का है बस यहाँ पे, टाइप्स ऑफ सिग्नल। नंबर वन, एनालॉग सिग्नल। क्या है एनालॉग सिग्नल? देखो, एनालॉग सिग्नल एक ऐसी सिग्नल है जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी टाइम के साथ, ठीक है। सिग्नल का मतलब है कि या तो वोल्टेज की बात कर रहे हैं या करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वोल्टेज में सारी इंफॉर्मेशन को फीड किया जाता है, वोल्टेज, जो वोल्टेज है उसी में सिग्नल बनाया जाता है ना, वोल्टेज से लेना देना होता है, ये सब अगले चैप्टर में कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये वोल्टेज है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ऑल्दो आप समझ पा रहे हो ये एसी जैसा दिख रहा है, बट एनीवेज एनालॉग सिग्नल क्या होगा, जिसकी वैल्यू चेंजेस कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंटिन्यूअसली जिसकी वैल्यू चेंज हो वो क्या कहलाएगा, एनालॉग सिग्नल, ठीक। अच्छा, दूसरा जो सिग्नल है वो मैं आपको लिख के बताऊंगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है वो मैं समझाता हूँ। देखो, अगर मैं इंफॉर्मेशन जो भेजना चाहता हूँ, जो सिग्नल भेजना चाहता हूँ, उसको मैंने कोडिंग कर दिया, उसको आप इंटरफेरेंस पढ़ चुके होंगे, इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो वेव्स का सुपरपोजिशन होता है। तो सिमिलरली मैं जो बोल रहा हूँ ये एक साउंड वेव है, वेव है, और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दोनों को सुपर इम्पोज किया जाता है, ठीक है। तो सपोज इस सुपर इम्पोजिशन के बाद क्या हुआ, ये हुआ कि आपने 3 वोल्ट के अंदर या लेट्स से 5 वोल्ट के अंदर आपने इंफॉर्मेशन कोडिंग करके 5 वोल्ट के अंदर आपने इंफॉर्मेशन को फीड कर दिया, ठीक। अब आप भेज रहे हो 5 वोल्ट से, हो सकता है रास्ते में टेम्परेचर बढ़ने के कारण या और कोई फिजिकल चेंजेस के कारण रेजिस्टेंस में चेंज आ गया, तो वोल्टेज में भी चेंज आ जाए। तो वोल्टेज में चेंज आने पे क्या हुआ कि आपने भेजा था 5 वोल्ट और उसने रिसीव किया लेट से 3 वोल्ट, ठीक है, रिसीवर ने कितना रिसीव किया, 3 वोल्ट,
करेक्ट। तो 5 वोल्ट में आपने इंफॉर्मेशन भेजा और 3 वोल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग उसको इन्फॉर्मेशन मिला, तो इसका मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो गया। तो इस प्रकार के सिग्नल में इन्फॉर्मेशन का लॉस हो जाता था। तो हमने चेंज किया, सिग्नल को चेंज किया और ये जो सिग्नल है उसको हमने डिजिटल में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल, ठीक है। ये डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल का जो वैल्यू है वो एब्रप्टली राइज या फॉल होगा, जैसे ये, ठीक है, फिर जीरो, बिल्कुल बिल्कुल लो हो गया, या तो हाई होगा या लो होगा, बीच में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है दोनों ही हाई हो गए, ठीक, उसके बाद लो हो गया, फिर एक लो हो गया, फिर हाई हो गया, फिर हाई हो गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक। तो इसमें हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के टर्म में बात हो गई, तो एब्रप्टली राइज और फॉल होगा, उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज नहीं होगी, एब्रप्ट चेंज और फॉल होगा, ठीक है। तो इसमें वोल्टेज इस टाइप से चेंज हो रहा है। अब इसका एडवांटेज देखो क्या है। सपोज आपने हाई वोल्टेज को हमने कोडिंग किया किससे, वन से, तो वन का मतलब क्या समझेंगे, हाई वोल्टेज, ठीक है। लो वोल्टेज को किससे, जीरो से, ठीक है। तो इसका मतलब हाई वोल्टेज वन लिया जाएगा, लो वोल्टेज जीरो लिया जाएगा। अब सुनो, अगर आप 5 वोल्ट में इंफॉर्मेशन को एनकोडिंग करके भेज रहे हो, 5 वोल्ट में, सही है, 5 वोल्ट में भेज रहे हो, तो मैंने जब यहां से ट्रांसमिट करना शुरू किया तो मैंने 5 वोल्ट को कैसा ट्रीट किया था, 1। हो सकता है बीच में रेजिस्टेंस बढ़ जाए या कुछ भी हो जाए, वोल्टेज में चेंज आ गया, तो 5 से थोड़ा फॉल हो गया होगा, 3 वोल्ट हो गया। तो अगर 3 वोल्ट वो रिसीव कर रहा है, 3 वोल्ट, तो 0 वोल्ट से तो हाई ही है ना, तो वो वहां भी क्या समझेगा कि 1 आया, आपने भेजा 1 में और वो पहुंचा 1 में, ठीक है। कैसे, 5 वोल्ट से आपने कोडिंग किया था तो 5 को 1 माना जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, 0 के रिस्पेक्ट में, तो वो हाई ही है और 0 को ही अपन बेस मानेंगे। तो 1 आपने इंफॉर्मेशन भेजा, चलो वोल्टेज कम भी हुआ, लेकिन रिसीवर उसको किस तरह से रिसीव कर रहा है, 1 ही रिसीव कर रहा है, क्योंकि 0 से तो हाई है, तो इसमें इंफॉर्मेशन का कोई लॉस नहीं हो रहा। इसका मतलब इस टाइप का सिग्नल ही यूज करने वाले हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए, सही है। अब ये कैसे काम होगा कि केवल हाई और लो में ही काम हो, हमने ये थॉट सोचा, ऐसा मेरे दिमाग में आया कि ऐसा होना चाहिए, फिर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें डिवाइस लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और डिवाइस हमारे पास कौन कौन से हैं, तो हमारे पास सेल है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, इंडक्टर है, और अब इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, डायोड और ट्रांजिस्टर भी है। तो इनके ही हेल्प से ऐसा कुछ करने वाले। अब सुनो, मेरे ये थॉट में क्या हो रहा है, या तो वो करंट को जाने दे रहा है या वो नहीं जाने दे रहा है, जाने दे रहा है, इसका मतलब वो एक गेट की तरह बिहेव कर रहा है, कभी वो एंट्री अलाउ करता है, कभी एंट्री अलाउ नहीं करता। तो एंट्री कब अलाउ करना है, कब अलाउ नहीं करना है, उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, और ये गेट की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, लॉजिक गेट। गॉट इट, ये किस लॉजिक पे काम करेगा और वो गेट की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि एंट्री एग्जिट की ही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। तो सबसे पहले समझते हैं कि वो लॉजिक क्या है ना। तो लॉजिक पता करने से पहले ये जो हमारे थॉट आए ना दिमाग में कि ये 1010 में ही काम होना चाहिए, तो पूरी एलजेब्रा ही चेंज हो गई। अब अभी तक 1010 केवल चले ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि जैसे 123 है ना, और 527 है, या कोई भी नंबर है, तो ये नंबर क्या है, डेसिमल नंबर, डेसिमल मतलब 0 to 9 वाले को डेसिमल बोलते हैं इस भाषा में, ऐसा नहीं कि पॉइंट होना चाहिए। तो वो एलजेब्रा अब यूज नहीं करेंगे, ये वाले एलजेब्रा यूज करेंगे जिसमें सिर्फ 1 और 0 होगा, उसको बोलते हैं बाइनरी नंबर्स, ठीक है ना। तो उस
एलजेब्रा को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद लॉजिक की बात करेंगे, एंट्री एग्जिट की बात करेंगे, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूँ कि लॉजिक गेट क्यों बोलते हैं, ठीक। चलो शुरू करते हैं। इस शुरुआत में मैं बस क्विकली आपको जल्दी से बता देता हूँ कि डेसिमल और बाइनरी में कहाँ डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम, ये वो नंबर सिस्टम है जिसको अपन फॉलो करते हैं और अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। इसमें कौन कौन से डिजिट्स होते हैं, तो इसमें 0 to 9 इतने डिजिट्स होंगे, तो जितने भी नंबर बनाओगे आप इन्हीं से बन जाएगा, ठीक। तो बताओ कितने डिजिट्स हुए, इसको बेस बोलेंगे। तो इसका बेस, जितने डिजिट्स होंगे उनको बोलेंगे बेस। तो कितने सारे डिजिट्स हैं, तो इसमें 10 डिजिट्स हैं, तो इसका बेस हो गया 10, ठीक है। अच्छा ये हो गया डेसिमल, दूसरे पे आते हैं। अब आ जाओ बाइनरी, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक। बाइनरी नंबर सिस्टम में डिजिट्स ओनली एंड ओनली 0 and 1 होंगे, ठीक है। तो इसका बेस क्या होगा, बेस 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 यानी नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2 हैं, सही है। अच्छा ठीक है, अब आ जाओ। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक। सपोज 35 वोल्ट है, 35, इस 35 वोल्ट में आपने इंफॉर्मेशन एनकोडिंग करके भेजा, लेकिन 35 नहीं भेजने वाले हैं क्योंकि एनालॉग में भेज नहीं रहे हैं, भेज किस में रहे हैं, डिजिटल में भेज रहे हैं, ठीक है। तो इसको डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होगा जो इसको कन्वर्ट कर देगा, 35 को किस में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल में। उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, तो वो कैसे कन्वर्ट होगा वो मैं सिखाता हूँ आपको, देखिए। तो कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, देखो रूल क्या है मैं बता देता हूं जल्दी से। देखो किस में कन्वर्ट कर रहा, बाइनरी में, बाइनरी का बेस क्या है, 2, तो 2 से आपको इसको डिवाइड करना है, ठीक है। और जितने भी रिमाइंडर्स होंगे उन सारे रिमाइंडर्स को इस कॉलम में लिखते जाओगे, तो 217 जा, रिमाइंडर 1 आ गया, ठीक है। 28 जा, रिमाइंडर 1 आ गया। 24 जा, रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है ना। 22 जा, फिर से रिमाइंडर 0 हो गया। 21 जा, रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है। अब सुनो, ये जो 1 आ गया ना, ये इस 1 को मैं यहां पे लाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, बस एक लॉजिक सा कर रहा हूं, अगर मैं 2 से डिवाइड करूं 1 को तो क्या वो डिवाइड होगा, नहीं होगा, है ना। तो 2 0 जा होगा, तो 0 जा 0, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। ये मतलब ऐसे ही है, जबरदस्ती का है, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो 2 को 1 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 0 कर दिए, तो 2 0 जा 0, तो रिमाइंडर 1, यही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ऑल्दो ये 1 आ चुका था, ठीक है। अब सुनो, रूल ये कहता है कि आपको इधर से डिजिट्स लिखने हैं ऊपर की ओर, ठीक। तो आप लिखेंगे जो 35 जिसका बेस 10 था, बेस 10 मतलब क्या है, ये डेसिमल है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा यहां से ऊपर पहुंचो, तो 1 0 0 0, तो 1 0 0 0, ठीक है, 1 1 1 1, और इसका बेस क्या है, 2, इसका बेस क्या है, 2 है। तो सुनो, हमारे पास ऐसा एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एक डिवाइस होना चाहिए जो क्या करेगा, इस तरह से बना के भेजेगा, ठीक है। ये हमारी मैथमेटिक्स है, हमने थॉट निकाला ऐसा होगा और उसको हमने सॉफ्टवेयर में डाल दिया, सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इस तरह से कन्वर्ट कर देगा।
तो इसका मतलब अब आपके पास ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो सिग्नल को इस तरह से तोड़कर भेजेगा, फर्स्ट हाफ साइकिल में या फर्स्ट टाइम में गेट को खोल देगा, फिर गेट बंद रखेगा, अब बंद 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 यहां तक बंद, फिर दोनों के टाइम की टर्न खोल देगा ये, ठीक है। तो इसको अगर मैं ग्राफ से दिखाऊं इसकी डिजिटल, तो ये वन है, उसके बाद जीरो है, उसके बाद फिर जीरो है, उसके बाद फिर एक जीरो है, तीन जीरो हो गए, ठीक, फिर तीन जीरो हो गया, फिर यहां पे आ गया वन, और फिर यहां पे आ गया वन, ठीक है। तो ये है वन जीरो 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 वन वन, ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या है, डिजिटल सिग्नल, ठीक है ना। ओके, अब आप डिजिटल को भेज दिए, है ना, वायर्स के थ्रू आपने भेज दिया, ट्रांसमीटर ने उसको एमिट कर दिया। अब आप रिसीवर में जब इसको रिसीव करोगे तो कैसे रिसीव करोगे, ऐसे रिसीव करोगे 1 0 0 1 1। तो मैं अगर 1 0 0 1 1 ऐसे बोलूंगा तो आपको कुछ समझ आएगा, नहीं आएगा। या आपको मैं बोलूंगी 1 0 0 1 1 को इसमें से जोड़ दो या उसमें से घटा दो, ऐसा कुछ बोलूंगा मैं, तो ऐसी अलजेब्रा तो हमने सुनी ही नहीं, मतलब आम भाषा में आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। इसका मतलब वापस इसको डिकोड करने का एक नियम होना चाहिए। मैंने पहले यहां पे एनकोडिंग किया, अब उधर जाके मुझे डिकोडिंग करना होगा, ठीक है ना। अब सुनो, इसको वापस कन्वर्ट करना है, मतलब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, करेक्ट। तो पहला नियम यह है, इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं दूसरा नियम बताता हूं कि डेसिमल टू बाइनरी हो गया, अब बाइनरी टू डेसिमल कैसे करेंगे, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने के पीछे जो लॉजिक है वो समझाता हूं मैं आपको। ये ऑल्दो आपने ये बहुत ही छोटे क्लासेस में सीखा होगा, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मैथ्स में सीखा होगा आपने। जैसे मैं लिख देता हूं 432 का प्लेस वैल्यू, तो ये क्या, ये वंस है, ये टेंस है, और ये 100 है ना। तो इसको इसके प्लेस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करते हो, तो 4 को इसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, तो ये है किस में बच्चों, ये तो डेसिमल है ना। तो डेसिमल का जो बेस होता है ना, उसी के प्लेस वैल्यू से उसके पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि 10 से क्यों कर रहे हैं छोटे क्लासेस में, तो 10 से करने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि डेसिमल का प्लेस वैल्यू होता है 10, सॉरी बेस होता है 10, डेसिमल का बेस कितना होता है 10, है ना, और बाइनरी का बेस कितना होता है 2। तो ये 10 में है, इसीलिए 10, अब इसका प्लेस वैल्यू क्या हुआ, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 2 हो गया, प्लस ये 3 है, ठीक है ना, 3, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 0, ठीक। तो इसको आप कैसे सॉल्व करते थे, ये हो जाता था 400, ये हो जाता था 30, ये हो जाता था 2, उसके बाद आ जाता था 432, इस तरह से प्लेस वैल्यू होता था, याद आ रहा है। इस चीज को लिखने का मैं एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ आपको। देखो, अगर आपको 10 के पावर में ढूंढना है कि इतना, मान लो बहुत बहुत ही बड़ा नंबर है, तो इसको 0 1 2 इसी तरह करने से अच्छा है क्या करो, इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं उसको 10 के पावर में लिख दो, सबसे बढ़िया है ना। तो 4 के बाद 2 डिजिट्स हैं, 10 के पावर में 2 हो गया, 3 इंटू 3 के बाद 1 डिजिट है, 10 के पावर में 1 हो गया, 2 इंटू 10 के पावर में 1 भी डिजिट नहीं है, तो 0 हो गया पावर, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, इसी लॉजिक को मैं यूज करने वाला हूं इसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो चलो जल्दी फटाफट लिखते हैं, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी इंटू डेसिमल। ठीक है, अब सुनो, 1 0 0 1 1, ठीक है ना। तो इसका बेस क्या है, इसका बेस 2 है, क्या है, बेस 2 है। अच्छा, अब सुनो, मैंने क्या किया था, यहां पर जो डिजिट्स हैं उनको उसके बेस के पावर में लिख दिया था। अच्छा, यहां पे क्या है, 1, तो 1 इंटू इसका बेस क्या है, 2, तो 2 के पावर में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 5 लिख दिया, ठीक है।
प्लस ये कितना है जीरो, जीरो के बाद कितने डिजिट हैं, एक दो तीन चार, तो टू के पावर में फोर, ठीक है, फिर टू इंटू टू के पावर में थ्री, प्लस जीरो इंटू टू टू दी पावर टू, तीन बार जीरो, ऑल्दो इसका आंसर जीरो ही है बट फिर भी मैं लिख रहा हूं इस तरह से, ठीक है। अब आ गया वन, वन के बाद एक ही प्लेस है, प्लस इस वन के बाद एक भी प्लेस नहीं है, तो टू के पावर में जीरो हो गया, ठीक है। चलो आंसर देखते जाओ, टू के पावर में फाइव, टू के पावर में फाइव इज 32, ये जीरो 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 सारे हो गए जीरो यहां तक, फिर टू के पावर में वन इज टू, टू के पावर में जीरो इज वन, तो जोड़ो तो कितना हुआ 32, 34, 35, तो 35 वोल्ट मिलेगा। ओ अच्छा 35 बोलना चाह रहे हो, मुझे बोला 100011, ये क्या होता है ना, तो ये है कंसेप्ट, ठीक इसी तरह से होना चाहिए था। तो इससे क्या होगा कि सिग्नल बहुत ही बढ़िया से आप भेजोगे विदाउट लॉस इन इंफॉर्मेशन, आपके इंफॉर्मेशन में कोई लॉस नहीं होगा, जो आप बोल रहे हो वही पहुंच रहा है, या जो भी इमेज आप भेज रहे हो वही वैसा इमेज पहुंच रहा है, कोई भी इमेज का पोर्शन फट नहीं रहा, कट नहीं रहा, ठीक है। तो इसीलिए डिजिटल सिग्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल है और वो बहुत ज्यादा यूज होता है। तो डिजिटल सिग्नल को प्रोड्यूस करने के लिए ही लॉजिक गेट की जरूरत पड़ रही है, सही है। अब लॉजिक गेट क्या है, तो गेट इसलिए क्योंकि वो सिग्नल को या तो पास होने देगा या नहीं होने देगा, तो वो गेट की तरह बिहेवियर दिखाएगा और उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, तो लॉजिक के अकॉर्डिंग वो करंट को या तो जाने देगा या नहीं जाने देगा, यानी कि वोल्टेज राइज होगी या फॉल होगी, ठीक है, यही होता है लॉजिक है। तो अब डिस्कशन करेंगे कि वो लॉजिक क्या है, ठीक है, और कौन से एलजेब्रा को फॉलो करने वाले हैं, ये बाइनरी डिजिट वाले एलजेब्रा को फॉलो करेंगे, और इसके एलजेब्रा को बोलते हैं बूलियन एलजेब्रा। तो मैं फिर बूलियन एलजेब्रा के बारे में भी बताऊंगा कि उसको कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। चलो तो लेट अस डिस्कस द लॉजिक्स, ऑल द लॉजिक्स ऑन विच दिस गेट वर्क, ओके। आइए तो सबसे पहले शुरू करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो करेंगे वो बेसिक है ना, बेसिक लॉजिक गेट से शुरू करेंगे, ठीक है, सब बेसिक लॉजिक गेट। तो बेसिक में सबसे पहला आता है और गेट, और गेट। देखो इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक समझते हैं। इसका लॉजिक ये है कि ये गेट इस तरह से काम करेगा, इसका लॉजिक ऐसा होगा कि अगर कोई दो दो स्टेटमेंट है या दो कंडीशन है, उन दो कंडीशन में एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो, ट्रू हो जाए, तो फिर वो गेट खोल देगा और वो सिग्नल को की एंट्री अलाउ कर देगा, ये इसका लॉजिक है। फिर से आपको समझाता हूँ। सपोज आप एक ऐसे कोचिंग में पढ़ रहे हो जिसमें यूनिफॉर्म भी है और आईडी कार्ड भी है, ठीक है, अपने इमोशन में बच्चों के यूनिफॉर्म भी होते हैं और आईडी कार्ड भी होते हैं। तो मैंने गेट में जो गार्ड है उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, उसको मैंने लॉजिक दिया कि अगर बच्चा जो आ रहा है, जो स्टूडेंट आ रहा है, उसने या जो आई कार्ड है वो अपने पास रखा है या फिर यूनिफॉर्म पहन के आया, दो में से कोई एक भी हो तो उसको एंट्री दे देना, तो यही लॉजिक इसमें फॉलो हो रहा है। तो मतलब अगर आप यूनिफॉर्म में हो, आईडी कार्ड नहीं है, तब भी एंट्री मिलेगी। अगर आप यूनिफॉर्म में नहीं हो और आईडी कार्ड है, तब भी एंट्री मिलेगी, और दोनों हैं तो भी एंट्री मिलेगी, ठीक है। तो यही होता है इसका लॉजिक। तो इसको कैसे लिखेंगे कि आउटपुट इज हाई, इसमें हाई और लो की ही बात होती है, हाई लो समझ रहे हो, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज या फिर वन और जीरो। तो आउटपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई व्हेन 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 एनी ऑफ द टू इनपुट
द टू इनपुट इज हाई, ठीक है ना। कोई भी दो में से एक इनपुट अगर हाई हो गया तो आउटपुट हाई हो जाएगा, ठीक है। ये इसका लॉजिक है, ठीक है। अब इस लॉजिक को मैं इम्प्लीमेंट करता हूं अपने उस सर्किट में। तो इसको समझने का मेरे पास एक दूसरा मेथड भी है, ठीक है, दूसरा मेथड। और वो मेथड क्या है? स्विचिंग सर्किट, ठीक है, स्विच सर्किट। स्विच से इसके लॉजिक को आप समझ सकते हो, लॉजिक में बता रहा हूं, लॉजिक समझना इस पॉइंट को। सपोज एक सर्किट है जिसमें दो स्विचेज हैं, ठीक है ना, दो स्विचेज हैं इस तरह से, ठीक। और करंट यहां से एंट्री लेना चाहता है, ठीक। तो ये स्विच का नाम है ए और ये स्विच का नाम है बी। तो आप खुद से समझ पा रहे हो कि कोई भी एक ऑन हो जाए, ऑन हो जाए तो करंट आउटपुट के तरफ मिलेगा, ठीक है ना। तो करंट कब मिलेगा? यू गेट आउटपुट करंट, यू गेट आउटपुट करंट व्हेन व्हेन एनी ए और बी इज क्लोज्ड, ठीक है ना। यही लॉजिक इसमें लग रहा है, क्लियर है? अच्छा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके सिंबल को समझना जरूरी है। सिंबल, सिंबॉलिकली आप और गेट को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो, इस प्रकार का कोई भी आपको सर्किट दिखे, इसमें दो इनपुट है और एक आउटपुट है, ठीक है। तो इस इनपुट का नाम है ए और इसका नाम है बी, और इसका आउटपुट आएगा, तो आउटपुट का नाम दे देता हूं मैं जेड, इसका नाम दे देता हूं जेड, जेड इज कॉल्ड आउटपुट, ठीक है। अब इसको एल्जेब्रिक टर्म में, एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे? एक्सप्रेशन समझना, एक्सप्रेशन, इसका जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह से होगा कि ए और बी, केवल एक्सप्रेशन से ही मैं समझ जाऊं, तो ए और बी, तो इसको कैसे लिखेंगे? प्लस से। प्लस का मतलब क्या होगा? और, तो ए और बी, ठीक है ना। अब से इसको और पढ़ोगे, ए और बी, ठीक। अच्छा, मैंने यहां पे कहा कि कोई भी हाई हो जाए या लो हो जाए, है ना, या इसको ऑन या ऑफ में बोल रहा था। तो इस चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं, सुन लो। ऑन का मतलब हाई वोल्टेज का मतलब, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वन। ऑफ स्टेट या लो वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जीरो से। ये रिप्रेजेंटेशन फॉलो होने वाला है थ्रू आउट दिस लॉजिक है, करेक्ट है? अच्छा, अब एक टेबल होता है जिसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल, करेक्ट है? अच्छा, ठीक है, आ जाओ। तो ट्रूथ टेबल देखते हैं, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल क्या है? इट इज अ टेबल विच कंटेन्स ऑल सेट ऑफ पॉसिबल इनपुट एंड आउटपुट, करेक्ट? ठीक। तो ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये क्या है? ये है जेड, ए और बी, ठीक। अब आप कितने पॉसिबिलिटीज लगा सकते हैं ए और बी के इनपुट का, सोचो जरा ध्यान से। या तो बी ऑफ है, ये ऑफ, दोनों ऑफ है। ऑफ का मतलब क्या होगा? लो का मतलब जीरो होगा, दोनों ऑफ है। अच्छा, अब आपने इसको ऑन किया, इसको ऑफ रखा, अब इसको ऑन किया, इसको ऑफ रखा, फिर दोनों को ऑन कर दिया, समझ में आ रहा? कोई भी एक नोटेशन फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, ट्रू फॉल्स भी बोल सकते हो, इसको ट्रू भी बोल सकते हैं, ट्रू, और इसको फॉल्स बोल सकते हैं, ठीक है। देखो, समझना ध्यान से, समझना। अगर ए और बी है,
इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों की बात हो रही है, एक आपने क्या स्टेट रखा, जीरो, बी का क्या रखा, जीरो, तो दोनों क्या है, ऑफ, तो अगर दोनों ही ऑफ है तो इसका क्या आंसर आएगा, ऑफ, ठीक है। अब ए को करना है ऑफ, बी को करना है ऑन, तो क्या करंट इधर से फ्लो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो यहां क्या रखोगे, वन। अब आप ए को ऑन कर दिए, बी को ऑफ कर दिए, तब भी करंट फ्लो होगा, दोनों ऑन हो गए तब भी करंट फ्लो होगा, तो ये इसका ट्रूथ टेबल है, ठीक है ना, दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ OR गेट, क्लियर है, ओके। और एक चीज आपको याद होना चाहिए इस पे, वो है सिग्नल, ठीक है ना, सिग्नल, सिग्नल टेबल बोल सकते हो, या सिग्नल के थ्रू बोल सकते हो, है ना, या फिर क्लॉक भी बोल सकते हैं, इसको क्लॉक भी बोलते हैं, क्लॉक, या फिर ग्राफ, कोई भी एक भाषा आपको मिल जाए, ठीक है। तो ग्राफ से मैंने आपको सिखा रखा है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए, एक आपने किस तरह से किया, देख लीजिए ध्यान से, ए 0011, तो ए हो गया एक बार 0, फिर हो गया 0, फिर हो गया 1, फिर हो गया 1, ठीक है। फिर आते हैं बी पर, 0101, ठीक है, तो ये हो गया 0101, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, ए और बी, ठीक है। अब उसी चीज को स्टडी करने आपको आना चाहिए इस पर्टिकुलर तरीके से, ठीक है ना, ये भी आपको समझ में आना बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक। कभी भी अगर इस तरह लाइन नहीं ड्रॉ किया गया हो, आप खुद ही ड्रॉ कर देना, चलो ठीक है। देखो यहां क्या हो रहा है, ये 0 है, ये भी 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, 0, यहां पे बस आपने देख रखा है, तो 0 0 में क्या होगा, 0, 0 1 में क्या होगा, 1, 1 0 में क्या होगा, 1, 1 1 में क्या होगा, 1, ठीक है, ऐसा, तो ये हो गया 1 1 1 और ये हो गया 0, करेक्ट है। तो ये हो गया सिग्नल टेबल, है ना। तो सभी चीजें जितने भी मैं आपको कराने वाला हूं, सब में ये काम करने वाला है, ठीक है। सबसे पहले उसका लॉजिक देखेंगे, फिर उसका स्विच सर्किट देखेंगे, उसका सिंबल देखेंगे, ट्रूथ टेबल देखेंगे, एंड देन सिग्नल, करेक्ट, ये सारे पॉइंट्स करने वाले हैं, ठीक। तो ये हो गया पहला लॉजिक गेट। अब दूसरे लॉजिक गेट की तरफ बढ़ते हैं, वो है एंड गेट। ये और गेट था, वो एंड गेट होगा, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्या है, एंड। देखो मैंने क्या किया, जगह जगह पे उसको बस मिटा के साफ कर रखा है, ताकि आपको ये पता चले कि कहां मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है। चलो तो मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि मैं कहां कहां चेंज करने वाला हूं, करेक्ट है, आ जाओ। देखो तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एंड गेट, ओके, एंड गेट, ए एंड, ये हो गया नंबर, ठीक है। चेंजेस देखते जाओ, कहां कहां चेंज आने वाला है। सबसे पहले इसका लॉजिक, लॉजिक क्या है, पहले तो लॉजिक देख लेते हैं। लॉजिक में और गेट में क्या हो रहा था, कि कोई भी एक इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हाई हो जाए। अब आप समझ पा रहे होंगे कि एंड में क्या होने वाला है। अब उस स्टूडेंट के पास दोनों होना चाहिए, यूनिफॉर्म भी होना चाहिए और आई कार्ड भी होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म और आई कार्ड दोनों होगा तभी उसको एंट्री मिलेगी, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एंड गेट क्या होता है, एंड गेट वो होता है जिसमें इनपुट हाई तभी मिलेगा जब दोनों ही, सॉरी, आउटपुट हाई तभी मिलेगा जब दोनों इनपुट हाई होंगे, ठीक है ना। तो ये इसका लॉजिक। तो आउटपुट इज हाई व्हेन both, when both the two input is high, ठीक है ना, या only when both input is high, ठीक है। तो switching circuit कैसा होगा,
तो आप खुद भी समझ पा रहे होंगे कि अब स्विच में क्या आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, सही है। तो अब अगर ए को क्लोज करोगे तो क्या करंट फ्लो होगी? नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होने वाली है। तो आउटपुट करंट व्हेन बोथ ए एंड बी आर क्लोज, समझ में आया? आउटपुट करंट व्हेन बोथ ए एंड बी आर क्लोज्ड। ओके, वेरी गुड। अब इसके सिंबल की तरफ बढ़ते, सिंबल क्या होगा? सिंबल देखो, सिंबल कुछ इस तरह से होगा। अब यहां पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद यहां पर ऐसे कर्व कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहां पे प्लस का साइन था, यहां पे डॉट का साइन आएगा, है ना, ए डॉट बी। अब ट्रुथ टेबल की बारी, ए एंड बी ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में मैंने क्या सिखाया आपको, अगर दोनों दोनों ऑफ है तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो करंट फ्लो नहीं होने वाला। अच्छा, एक ऑफ है दूसरा ऑन है तब भी नहीं होगा, दूसरा ऑफ है तब भी नहीं होगा, दोनों ऑन है, हाँ अब हो जाएगा। आया समझ? तो ये हो गया ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। ठीक, अब आ जाओ सिग्नल में। सिग्नल में देखो, सिग्नल में दोनों ही जीरो हैं तो जीरो ही होगा, ऊपर वाला जीरो है तब भी जीरो होगा, नीचे वाला जीरो है तब भी जीरो होगा, दोनों वन हो गए, हाँ अब हाई हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा परेशान नहीं होना है आपको। सिंबल पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, इसके ट्रुथ टेबल कैसे काम करते हैं ये पता होना चाहिए, और लॉजिक कैसे बिहेवियर करता है। ठीक है, तो ये हो गया एंड गेट। तीसरा बेसिक गेट की तरफ बढ़ेंगे, वह है नॉट गेट। क्या है? नॉट गेट, इसको लिखो। तीसरा बेसिक लॉजिक गेट है वो है नॉट गेट। क्या है? नॉट गेट। अभी नॉट गेट का सिंबल मैं आपको बता देता हूं। सिंबल देखो, यहां पे ऐसे टिप लगा देना, एक इनपुट एक आउटपुट। ये डायोड नहीं है, है ना, डायोड में भी आपने देखा था ऐसा सिंबल आता है, लेकिन ये सिंबॉलिकली ऐसा ही है ना, सिंबॉलिकली ऐसा है जिसमें यहाँ टिप लगा रहेगा, तो ये एक डायोड होगा। नॉट गेट क्या है? ये एक कॉम्प्लीमेंट्री, इट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की तरह ये बिहेव करता है। फंक्शन समझ रहे होगे, मैथ्स में पढ़े होगे, या अपने बेसिक मैथमेटिक्स में भी पढ़े 11th क्लास में। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है कि अगर आप ए इनपुट डाल रहे हो तो उसका उल्टा वो कर देगा, उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा, तो कॉम्प्लीमेंट ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, ट्रुथ टेबल से समझाता हूं मैं आपको। ट्रुथ टेबल, ठीक है, तो ट्रुथ टेबल में एक ही इनपुट है तो किस तरह से हो सकता है, या तो हाई दोगे या लो दोगे, है ना, आउटपुट क्या होगा, ए बार। कॉम्प्लीमेंट्री क्या कहता है कि अगर जीरो डालोगे तो वन बनेगा, वन डालोगे तो जीरो बनेगा, यही कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसका रिवर्स बनेगा, सही है, वन जीरो जीरो वन, ये होता है नॉट गेट। नॉट गेट का काम क्या है कि जो भी इनपुट डालोगे उसका रिवर्स कर देगा, तो एक ही इनपुट जाएगा, ठीक है ना, ये हो गए बेसिक लॉजिक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, इसको समझना है, दो गेट्स को कंबाइन करके एक नया गेट बनाएंगे, वो समझ लेते हैं वो बिहेवियर कैसा होगा उसका। ठीक है, तो जल्दी फटाफट लिखते हैं इसको, आ जाओ। तो क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। नंबर वन, नॉर
गेट, कौन सा गेट? नॉर गेट। अच्छा, तो आप खुद समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, एक और गेट है ना, एक और गेट है, इसके आउटपुट को कहाँ जोड़ देना है, एक नॉर गेट में जोड़ देना है, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, नॉर गेट। तो इसको कंबाइन करके क्या लिखते हैं, इसको कंबाइन कर लो, तो फाइनली ये जो इसका जो सिंबल है ना, सिंबल वो ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। तो इसका सिंबल होता है ये देखो, और गेट पर यहां पे एक टिप लगा दो इसको, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये बी, तो यहां से निकल के क्या आएगा, ए और बी पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इधर ध्यान से, तो और गेट का लॉजिक समझ में आया आपको, केवल और जो होगा ना, और उसका नॉट कर दो तो वो नॉर बन जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल। तो ये ए है, ये बी है, ये ए और बी है, और इसका होल कॉम्प्लीमेंट बना देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखते जाओ जल्दी से फटाफट, देखो 0 0 1 0 1 0 1 1, ठीक है, देखते जाओ। अब 0 0 0 हो गया, 0 1 0 हो गया, नहीं और है ना, और है तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, लेकिन आपको नॉर चाहिए। नॉर, नॉर क्या करेगा, इसका भी ऑड, इसका नॉट कर देगा। तो 0 का कितना हो जाएगा 1, 1 का कितना होगा 0, 1 का 0, 1 का 0। तो ये किस तरह बिहेव करता है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ और फंक्शन, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड नॉर। नॉर को कैसे समझोगे, तो ये नॉर को कैसे लिखा गया, और प्लस नॉट इज नॉर, सही है, ठीक है। नंबर टू इज नैंड गेट, समझ आ गया होगा इसमें मैं क्या लिखने वाला हूं, है ना, क्या करने वाले इसमें, एंड को क्या करना है, और के साथ जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा, सॉरी और कहां से आ गया यहां पे, नॉट होगा, तो ये बन गया नैंड, ठीक है। तो इसको सिंबल, इसका क्या होगा, सिंबल, सिंबल ऑफ नॉट नैंड गेट देखते जाइए फटाफट। देखिए ये है एंड, हाँ इसमें टिप लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, तो ये है ए, ये है बी, ये है ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये सिंबल इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते, अगर मैं ट्रूथ टेबल पूछता तो क्या करते, ट्रूथ टेबल, तो क्या मैं यहीं पर लिख दूं क्या ट्रूथ टेबल, चलो यहां पर ही लिख देता हूं, छोड़ दो कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं, ए बी, ए एंड बी, ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट, सही है। अच्छा बी कितना है, जीरो, बी कितना है, जीरो, ए कितना है, वन, ठीक है, फिर ये वन, ये जीरो, फिर ये वन, जीरो, ये वन, फिर वन वन, ठीक है। अच्छा देखो, अगर इसको एंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, इसको भी एंड करोगे तो जीरो, इसको भी एंड करोगे तो जीरो, इसको एंड करोगे तो वन, लेकिन फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री ले लो, कॉम्प्लीमेंट इसका बना दो, कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट बनाओगे तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, जीरो का वन, जीरो का वन, और वन का जीरो, क्लियर है, ठीक है।
तो ये हो गया नैंड गेट, ये हो गया नॉर गेट। आ रहा समझ में? वेरी गुड, ठीक है। एक और गेट होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, वो है एक्सक्लूसिव और, मतलब एक्सोर, ठीक है। अच्छा ठीक है, उसका उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ और उसका सिंबल बता देता हूँ कैसे उसको देखते हैं, ठीक। तो उसके लॉजिक की बात में हम बाद में बात करेंगे, लिख लो उसको। है एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सोर। कैसे पढ़ेंगे इसको? एक्सक्लूसिव और या फिर एक्सोर, ठीक है। अच्छा, इसका लॉजिक क्या है वो समझते हैं। एक्सक्लूसिव होना चाहिए इनपुट, तो आपको आउटपुट हाई मिलेगा। अगर कॉमन हुआ इनपुट, तो आउटपुट लो मिलेगा, दैट इज जीरो मिलेगा, ठीक है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो, मैं देखो और से समझ में आ रहा है कि और जैसा होना चाहिए था। तो इनपुट ले लेते हैं, ए का सेट ऑफ इनपुट, बी का सेट ऑफ इनपुट, और इसका सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें से सर्कल बना लेंगे, ठीक है। ऐसा अपना एक रिप्रेजेंटेशन है बस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जीरो जीरो, फिर वन जीरो, फिर जीरो, इधर वन, फिर वन वन, ये सब होते थे ना, समझ आ रहा है? ये मैंने क्या लिखा है, कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं इनपुट के, ठीक है। देखो या तो दोनों बंद या दोनों चालू, एक बंद एक चालू, ये चालू ये बंद, है ना, यही सब होता था, ठीक है। तो और अगर होता और, तो आप क्या करते, जीरो जीरो में जीरो, जीरो वन में वन, वन वन में वन, और वन वन में भी वन आता। लेकिन यहाँ इनका ये कहना है कि अगर इनपुट सेम है, जैसे ये भी सेम है ये भी सेम है, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको? जीरो मिलेगा आपको, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव और क्या क्या मतलब होता है वो, कि दोनों ही इनपुट एक्सक्लूसिव होने चाहिए। एक्सक्लूसिव मतलब ये वन है ये जीरो है, तो ठीक है। एक्सक्लूसिव मतलब यूनिक है, यूनिक, तो ये दोनों में भी यूनिक इनपुट है, तो आउटपुट हाई मिलेगा आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा कि और जैसा ही है, सिर्फ इसमें जीरो मिल रहा है, ठीक। अच्छा, अब इसका सिंबल सिंबल देखते हैं। सिंबल देखो, सिंबल इसका इस तरह से और जैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर एक और आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सक्लूसिव और, ठीक है, इस तरह से। तो ये एक्सोर का सिंबल हो गया, ठीक है। अच्छा, ये अगर इनपुट आपने ए डाला और ये बी डाला ना, तो जेड का एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो अभी तक एक्सप्रेशन चल रहा था, वो एक्सप्रेशन इसका इस तरह से होगा। देखो, ए बार एंड विथ बी और विथ ए एंड विथ बी बार, ये आपको याद रखना है। इस तरह का एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा? एक्सक्लूसिव और, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स होते हैं, ठीक है। तो अभी तक जितने भी हमने गेट्स के बारे में पढ़ा, ये हमारा लॉजिक था, ये हमारा थॉट था, ये हमारे दिमाग में था कि ऐसा अगर लॉजिक बनाए तो इस समय वोल्टेज को वो गेट की तरह बिहेव करेगा, या तो जाने देगा या नहीं जाने देगा। तो किस लॉजिक से नहीं जाने देना है, किस लॉजिक से जाने देना है, उसके पीछे मैंने गेट्स बताए, एक एंड गेट, एक और गेट, नॉट गेट, फिर कॉम्बिनेशन एंड नॉर, फिर ये एक्सोर। तो ये जो सिंबल मैंने बना रखा है ना, सभी गेट्स का मैंने सिंबल बनाया, तो ये तो सिंबल है, पर इसको एक्चुअली अचीव कैसे करेंगे, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल रियलाइजेशन क्या है, एक्चुअली कैसे उसको अचीव करते हैं, ठीक है। एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ गेट्स, कैसे एंड गेट बनाएंगे, कैसे और गेट बनाएंगे, कैसे नॉट गेट बनाएंगे। तो उनको बनाने के लिए हमारे पास जो कॉम्पोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स, उन्हीं से मुझे बनाना है। कौन कौन है? रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, है ना, अब डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, सेल, इनके ही हेल्प से मुझे एंड गेट बनाना है, और गेट बनाना है, नॉट गेट बनाना है, ठीक है। उसके बाद नैंड और नॉर, तो आप समझ लोगे कैसे बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल रियलाइजेशन, ओके।